तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोसवॉर्ड शील्ड ब्रेक करते हुए वाउनलिन के पेरेंट को लगने ही वाली होती है, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाउनलिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बीच में आकर के स्वॉर्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हुए उस डिसाइपल पर उसी के स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें जानबूझकर दूसरों को हर्ट करने में मज़ा आता है। जिसे सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि मुझे हराओ जिसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊँगा, और वो ये कहकर अपने ईगल स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए वाउनलिन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सब लोग यही सोचने लगते हैं कि वाउनलिन की डेथ कंफर्म हो चुकी है। लेकिन वाउनलिन फिर से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि एक 6 लेवल का QI कंडेंसेशन की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे हर्ट कर सके, और साथ ही ये भी कहता है कि अब मुझे तुम्हारे हाथ और पैर दोनों काटने पड़ेंगे ताकि तुम जिंदगी भर ऐसा करने के लिए पछताओ। और फिर वो बहुत सारी स्वॉर्ड से वाउनलिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वाउनलिन फिर से उसकी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच करता है और उसकी स्वॉर्ड को फिर से के ऊपर ही अटैक कर देता है बना लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वो शील्ड टूट जाती है और वो डिसाइपल फिर से दूर जा गिरता है। इसके बाद वो डिसाइपल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने स्नेक सोल से वाउनलिन पर अटैक कर देता है, जिससे देखकर वहाँ वाउनलिन के पेरेंट डर जाते हैं। लेकिन वाउनलिन उसकी स्नेक सोल को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल अब डरने लग जाता है और उसकी पावर को देखकर वहां के लोग कहने लगते हैं कि क्या सच में ये वही वाउनलिन है जिसने कुछ दिनों पहले हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल वाउनलिन से कह रहा होता है कि तुम तो अभी बस 2i कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हो और तुमने मेरे ब्लैक इंक पाइथन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये 6 लेवल वालों को के लिए इंक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वाउनलिन अपने हिडन लेवल को दिखाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी इसने 14 लेवल तक कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये देखकर वो डिसाइपल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वाउनलिन उसे पकड़ लेता है और जिस पर वो डिसाइपल जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं हार मानता हूँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वाउनलिन उसे एक बार फिर से ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है कि आज के बाद से तुम किसी भी इनोसेंट को हर्ट करने से पहले मेरे बारे में ज़रूर सोच लेना। और वो इतना ज़ोरदार पंच मारता है कि वो डिसाइपल वहीं बेहोश हो जाता है, और अपने डिसाइपल को ऐसी हालत को देखकर उसका इल्डर वाउनलिन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वाउनलिन का इल्डर बीच में आकर उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद सारे इल्डर और डिसाइपल बैटल एरिना में इकट्ठा हो जाते हैं और इल्डर वाउनलिन को इनर डिसाइपल का स्टूडेंट घोषित कर देते हैं। और यहाँ हैनिन सेक्ट को विनर अनाउंस किया जाता है, जिस पर सभी लोग वाउनलिन की तारीफ करते हैं। तभी जिगानदाऊ सेक्ट के 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज से हैनिन सेक्ट के बुरा समय की शुरुआत हो चुकी है, और जन्यूदाऊ सेक्ट के लोग अपने बिस्ट के ऊपर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम वाउनलिन के पेरेंट को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और वाउनलिन पीछे से आकर उन्हें रोकता है, जिसे देखकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और वाउनलिन कहता है कि इल्डर गैंग ने मुझे अपने वाइट क्लॉथ का डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे सुनकर उसकी मॉम और भी ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर कि उसका फादर कहता है कि वो दे दो जो तुम इसे देने के लिए लाई थी। जिसके बाद उसकी मॉम उसे एक एक करके बहुत सारी चीज़ें दे देती है। फिर वाउनलिन अपने फादर को एक जेड पर्ल देता है और कहता है कि फ्यूचर में जब भी आप खतरे में होना इस पर्ल को डिस्ट्रॉय कर देना, और ऐसा करते ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, और फिर हम उसके कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। वाउनलिन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उससे आवाज़ सुनाई देती है कि हैंग्यू सेक्ट के जूनियर जल्दी हैंग्यू सेक्ट को छोड़ दो। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सोल बॉडी से ऐसा करने को कह रही होती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि वहाँ के डिसाइपल के सर में दर्द होने शुरू हो जाता है। फिर
एनयू सेक्ट के एल्डर उसे बाव करते हुए कहते हैं कि सीनियर पाक नमजा, एनयू सेक्ट और ज़ुआंदाओ सेक्ट के बीच में तो समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे और अभी तक हमारे सीनियर भी वापस नहीं आए हैं। इस पर कि सीनियर पार्क कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे सीनियर को मैंने मार दिया है। ये कहते हुए वो उनके मास्टर की चीज़ दिखाता है जिससे कि उसके मास्टर की डेथ कंफर्म हो जाए। और फिर साथ ही कहता है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे हैनी सेक्ट को जीतने आया हूँ। और ये कहते हुए वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हैंगी सेट के एल्डर उसके अटैक को काउंटर करते हुए माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बना लेते हैं और सभी डिसाइपल को वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक एल्डर वांगलिन के पास आता है और कहता है कि मेरे साथ आओ। फिर वो वांगलिन को एक बुक देते हुए कहता है कि इसे अपने पास रखो और हम दोनों साथ में इस माउंटेन से नीचे जाएंगे। जिसे सुनकर वांगलिन कहता है कि मास्टर, सारे एल्डर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप भागने की बात कर रहे हो, क्या आप उनकी मदद के लिए नहीं जाओगे? इस पर वो मास्टर कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो सीनियर पार्क की एस्केंट सोल बहुत ही पावरफुल है। ये कहते हुए वो वहाँ रखी हुई तलिस्मान को टच करता है और वांगलिन को एक चाय पीने के लिए देता है, जिस पर वांगलिन कहता है कि मास्टर, पहले आप पी लीजिए फिर मैं पीऊँगा। लेकिन वो मास्टर वांगलिन को ज़बरदस्ती वो टी देने लगता है, जिस पर वांगलिन उस टी को फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पिछली बार की तरह फिर से पॉइजन देने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुनकर वो मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें सब पता चल गया। और साथ ही वो वहाँ के सारे तलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वांगलिन के हाथ में और पैर दोनों चैन से बंध जाते हैं और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेंट की सोल कह रही होती है कि ये फॉर्मेशन तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैं कभी भी तोड़ सकता हूँ। और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें से कि एक बहुत बड़ा स्टोन निकलता है और वो माउंटेन फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है, जिसे देख कर एक इल्डर आगे आता है उससे रोकने के लिए, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखकर वहां के सारे डिसाइपर और इल्डर एक साथ उसे रोकने की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सारे मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ वांगलिन को वो मास्टर कह रहा होता है कि इस स्प्रिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और साथ ही वो वांगलिन के सामान को ले लेता है और उसमें से उसकी एक एक चीज़ें निकालकर तोड़ने लगता है। फिर उसके बाद वो वांगलिन की सोल से उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर सितुना गुस्से में वांगलिन को पुकारता है। और फिर हम देखते हैं वांगलिन अपने हाथों को यूज करते हुए मास्टर को अपना पपेट बना लेता है, मास्टर से खुद को रिलीज करने को कहता है और मास्टर ना चाहते हुए भी उसे रिलीज कर देता है, क्योंकि मास्टर की बॉडी अब वांगलिन के कंट्रोल में आ चुकी थी। ये देखकर मास्टर वांगलिन से पूछता है कि तुमने मुझे कब पॉइजन दिया। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां वांगलिन अपनी सेफ्टी के लिए मास्टर के टी में पॉइजन डाल के उसे पिला देता था। और फिर हम देखते हैं वांगलिन उस मास्टर को मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैनी सेक्ट के सारे मास्टर उस स्टूल से हार गए होते हैं और वहाँ से अपने डिसाइपल के साथ जाने लगते हैं, जिस पर कि वो एंशियंट सोल कहती है कि आज ज़ुआंदाओ सेक्ट तुमने से सबको अपने सेक्ट में ज्वाइन करने का ऑफर देती है और जो यहाँ रुकेगा हम उन्हें रिवार्ड में हीलिंग लेजर भी देंगे। जिसे सुनकर सारे के सारे डिसाइपल ज़ुआंदाओ सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं हैंगयू सेक्ट के एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम वांगलिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि क्या इतनी आसानी से किसी भी सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्या ये कल्टीवेशन की दरिंदगी नहीं है? और साथ ही अपने मास्टर से इतना से कह रहा होता है कि सीनियर, आप मुझे पावरफुल बनने में मेरी मदद करो ताकि मैं आपका और मेरा दोनों का बदला ले सकूं, जिस पर सितुना भी मान जाता है। और फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जिसमें से एक डिसाइबल कह रहा होता है कि अगर आज मुझे ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट
को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाऊंगा। वे एक माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं फिर और कहने लगते हैं, हमें ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट यहीं मिलेगा। और साथ ही वो डिसाइपल कहने लगता है कि आज से 2 साल पहले अचानक से स्पिरिचुअल इनर्जी यहाँ पे आ गई थी की वजह से बहुत सारे ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट यहाँ से अट्रैक्ट होकर आ गए थे। जिस पर दूसरी डिसाइपल कहती है कि फिर तो यहाँ कोई ना कोई ट्रेजर भी हमें ज़रूर मिल सकता है। जिस पर पहला डिसाइपल अपनी पावर का यूज़ करते हुए ट्रेजर खोजने लगता है और उसे सामने की माउंटेन पर एक पावरफुल ऑरा फील होता है, जिससे कि वो डर के बॉक करते हुए कहता है कि मेरा नाम चंग हाउ है और मैं जुआन लाओ सेक्ट का जूनियर डिसाइपल हूँ और मुझे नहीं पता था कि सीनियर आप यहाँ होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद वो सीनियर उनसे कहता है कि वहाँ यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और ये सुनकर वे दोनों डिसाइपल तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट और सोल डियर भी एक तरफ भागने लगते हैं और वे एक जगह आकर के माउंटेन की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई माउंटेन की केव से बाहर निकल रहा होता है जिसकी बॉडी से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।